मोदी जी ये क्या आप तो अपने कंधे पर पांच पांच प्याज के बोरे रखे हुए हैं, इतने ज्यादा बोरे लेकर आप कहाँ जा रहे हैं और इतना वजन आपने रख कैसे लिया अपने कंधे के ऊपर? राहुल तुम्हें तो मालूम ही है मैं केजरीवाल जी के यहाँ पर इस सब्जी मंडी में प्याज की दुकान पर काम करता था, वो मेरी मेहनत से इतना खुश हुए कि मुझसे बोले जितनी कंधे पर प्याज के बोरे ले जा सको अपने घर ले जाओ। मैंने पांच बोरे अपने कंधे पर रख लिए और घर ले जा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इन केजरीवाल जी की प्याज की आदत पे तो हम भी काम करते, इन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि तुम प्याज के बोरे घर ले जाओ, हमारे काम से तो कभी खुश नहीं हुए ही है। तुम्हारे काम से कैसे खुश होंगे, मैं तो लगन से और मेहनत से काम करता हूँ, ये मेहनत का फल है। तुम तो इनकी दुकान पे एक बोरा ढोती हो, दो घंटे बैठे रहती हो, मैं तो लगातार काम करता रहता हूँ, इसीलिए खुश होकर इन्होंने ये बोरे मुझे दे दिए। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जी जब खेत पर रोटी लेकर आया करो तो इस रोटी और अचार के साथ दो हरी मिर्च भी ले आया करो। बाकी सब चीज तो रोटी में तुम ठीक लाए हो, लेकिन दो हरी मिर्च और ले आते, और इतनी दूर जाकर क्यों बैठी हूँ? अरे वैसे तो मोदी जी मैं खाकर आया हूँ, अगर तुम्हारे पास आकर बैठूंगा तो इस अचार और रोटी को देखकर मेरा मन फिर से खाने को करने लगेगा, इसीलिए मैं करीम में नहीं बैठता हूँ। चलो तुम ही रोटी खाओ, और आज घर पर हरी मिर्च थी नहीं इसीलिए हरी मिर्च नहीं लाया, लेकिन अचार रोटी के साथ छाछ तो लाया हूँ मैं, ठंडी ठंडी छाछ पी लेना। लेकिन योगी जी रोटी तो कम लाए हो आज तुम, तुम्हें मालूम ही है यहाँ पर खेत पर मेहनत करने के बाद भूख बहुत लगती है, अब मोदी जी और मेरे लिए तुम तीन रोटी लाए हो, तीन रोटी में कहाँ पेट भर जाएगा? राहुल ये तीन ही रोटी बड़ा मुश्किल में मुझसे बना मिली है, इसी से पेट भर लो। अरे राहुल नाराज क्यों होती हो, तुम दो रोटी खा लेना, मैं एक रोटी खा लूंगा, ये पूरा बर्तन भर के छाछ भी तू है, छाछ पी लेंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी कुछ दिन पहले तो आप मिट्टी के मटके बेचते थे, अब ये प्लास्टिक के मटके और बर्तन बेचने लगे, मिट्टी के मटके और बर्तन बेचना क्यों बंद कर दिया आपने? राहुल क्या बताऊं, मिट्टी के मटके मैं शहर से खरीद कर लाता था, शहर से लाते लाते मिट्टी के मटके और बर्तन आधे तो टूटी जाते थे, बड़ा नुकसान होता था, इसीलिए मैंने सोचा ये प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक के मटके बेचूंगा। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एक मटका खरीद लो प्लास्टिक का। अरे नहीं मोदी जी, जो मजा मिट्टी के मटके का पानी पीने में है वो इस प्लास्टिक के मटके का पानी पीने में कहां पर है, इसमें तो पानी गर्म हो जाएगा जबकि मिट्टी के मटके में पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। यही तो दिक्कत है राहुल, ये प्लास्टिक के बर्तन और मटके कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, अब मैंने मिट्टी के बर्तन और मटके बेचना बंद कर दिए, सब लोग उसी को मांग रहे हैं, लगता है ये प्लास्टिक के बर्तन बेचना बंद करना पड़ेगा, फिर से मिट्टी के बर्तन बेचने का काम चालू करना पड़ेगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। राहुल मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी मछली अपने जाल में फंस चुकी है। अरे सुबह तुम और मैं इस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आए थे, और ये सोच कर आए थे 2-4 किलो मछली पकड़ लेंगे, जाकर बाजार में बेच देंगे, खाना खर्चा चल जाएगा दिन भर का, लेकिन ये थोड़ी सोचा था पूरी 25-30 किलो की मछली हाथ लगेगी। अरे मोदी जी बेफालतू में इतना खुश होना बंद करो, अब बेफालतू का नाटक कर रहे हो, अपनी ये 25 किलो की मछली फंस गई तो बहुत बड़ी मछली फंस गई क्या? अरे केजरीवाल ने तो परसों 50 किलो की मछली पकड़ी थी। अरे मछली पकड़ने के लिए जब अपना लोग आते हैं तो मेहनत भी तो करते हैं, एहसान में ये मछली थोड़ी फंस गई। चलो राहुल तुम तो बेफालतू में भड़क जाती हो, ये बताओ कितने रुपए की बिकेगी ये मछली? अरे कितने रुपए की क्या बिकेगी, इसे बेचकर 3-4 दिन आराम से घर बैठकर खाना खर्चा चल जाएगा। लेकिन मोदी जी इस मछली में वजन बहुत है, मेरा कंधा दर्द करने लगा इसे उठाए उठाए। और बैलों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। राहुल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पानी को बंद करने की, इस नहर के पानी पर सबका हक है, ये पानी मेरी खेत की तरफ जा रहा था लेकिन तुमने मिट्टी की दीवार लगाकर मेरे पानी को बंद कर दिया, मेरी खेत की सिंचाई को रोक दिया। देखो मोदी जी इस खेत की सिंचाई तो पहले मैं करूंगा, बात को आप सिंचाई कर लेना। भाई मैं बात को सिंचाई क्यों कर लूं और तुम अभी पहले क्यों करोगे, वजह तो बताओ। वजह क्या बताओ मोदी जी, मेरा मन किया इस पानी को बंद करने का, मैंने पानी बंद कर दिया, अब तुमसे जो कर मिले वो कर लेना। कर क्या लेना, अभी इस मिट्टी की दीवार को तोड़ देता हूँ, ये पानी मेरे खेत की तरफ चलने लगेगा। क्यों मोदी जी राहुल आपस में झगड़ते हो, एक एक करके खेत की सिंचाई कर लो। अरे नहर का पानी कोई अभी कहीं गया थोड़ी है, नहर में चल ही रहा है, बेफालतू में सिंचाई के पीछे झगड़ते हो। अरे योगी जी मैं थोड़ी झगड़ रहा हूँ, मेरे खेत की तरफ पानी चल रहा था इसने बंद कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मोदी जी आप ही देखो, इसीलिए आपको बुलाया है, देखो ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपने जमीर से इतना कैसे गिर सकता है। अरे राहुल देख तो रहा हूँ मैं,
तुम्हारे इस शौचालय को बने हुए एक ही महीना तो हुआ है। अब शौचालय का जो टैंक होता है, गड्ढा होता है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, वो कोई उठा के ले गया, चुरा के ले गया, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मोदी जी मैं भी कह रहा हूँ, आप गांव के प्रधान हो, कम से कम 2 महीने चक्कर लगाने के बाद आपने ये सरकार की तरफ से शौचालय बनवाया था। अब देखो इस शौचालय के टैंक का यानी के गड्ढे का कोई ढक्कन ही चुरा कर ले गया। मोदी प्रधान जी इसीलिए आपको बुलाया है, आप ही देखो अब तो गांव में शौचालय भी सुरक्षित नहीं है, देखो कोई शौचालय का ढक्कन ही चुरा कर ले गया। तुम सोनिया जी चिंता मत करो, मैं गांव में एक एक घर चेक करवाता हूँ कि ये शौचालय का ढक्कन कौन चुरा के ले गया, अगर नहीं मिला तो नया ढक्कन लगवा दूंगा इस शौचालय के ऊपर। आप और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? अरे मोदी जी आपके बराबर में खेत खरीद के तो मैं फंस गया, उस तरफ मेरा खेत है, इस तरफ आपका खेत है, बीच में ये खेत की सीमा यानी कि मेड़ है, लेकिन आप तो पूरी की पूरी इस खेत की मेड़ को काटे दे रहे हो, मेरे खेत की तरफ बढ़े जा रहे हो आप। राहुल पूरा कहाँ काट रहा हूँ, आधा ही आधा तो इस मेड़ को काट रहा हूँ देखो। और ये तुम क्या कह रहे हो कि मेरे बराबर में खेत खरीद कर फंस गए, तुम इस खेत की मेड़ को कम काटते हो, तुम भी तो अपनी साइड से पूरी की पूरी खेत की मेड़ को काटे दे रहे हो। मोदी जी ऐसे तुम नहीं मानोगे, लेखपाल को बुला के लाऊंगा और खेत की नपाई करवाऊंगा, फिर देखेंगे किसका खेत कम है किसका खेत ज्यादा है। ले आओ किसी को भी बुला के ले आओ, मैं कोई डरता हूँ? देखो राहुल यहाँ से चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो, तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है जितना मैं मेंढ को काट रहा हूँ खेत की, उतना ही तुम काट लेना, मैं तुम्हें खेत की मेंढ काटने को मना कर रहा हूँ, काटो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।